जय हिंद दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दोस्तों जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच इस क्लास में मिलने वाला है। दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों अगर पूछ दे आपसे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क पूछे तो उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क पूछे तो उत्तर प्रदेश में है, मानस नेशनल पार्क पूछे तो असम में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। कब? 1936 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था। दोस्तों स्थापना के समय उसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में पूछ दे इसका नया नाम क्या हो गया है? तो राम गंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है? राम गंगा नेशनल पार्क। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है? अनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? जीन। क्या है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो दोस्तों कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है? दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया है, तो कौन सी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा। दोस्तों सेवा क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा? सेवा, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से आलमगीर से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसे कहते हैं? उत्कल कलिंग का मैदान जो है उड़ीसा का तटवर्ती मैदान है उसे उत्कल कलिंग का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए किस बल का होना आवश्यक है? चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए किस बल का होना आवश्यक है? तो कोरियोलिस बल। किस बल का होना आवश्यक है? कोरियोलिस बल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ब्रिटिश काल में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया 1972 में। कब? 1972 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई? स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लाज्म किस राज्य के चक्रवात या तूफान को कहते हैं? दोस्तों चेरी ब्लाज्म नामक चक्रवात किस राज्य में को कहते हैं? तो किस राज्य को कहते हैं, किस राज्य में चक्रवात आता है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किशनपुर वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लखीमपुर खीरी। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। और 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों 4 जो टाइगर रिजर्व है, ये आपका कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिजनौर में। अगर आपसे पूछ दे रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो चित्रकूट। कहाँ पर? चित्रकूट। ये 4 टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व।